हेलो भाई, मेरा नाम है रवीश और आज हमारे सामने है बजाज की प्लेटिना 100 CC जो कि है 2013 का मॉडल। और बाइक की हम शुरुआत करते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ, जहां पर आप देखें तो इस गाड़ी में 2013 के इस मॉडल में इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ इस तरह से आता था, जिसमें कि फ्यूल इंडिकेटर और स्पीडोमीटर दिया हुआ होता था और साथ ही में कितने किलोमीटर चली है यहाँ पे दिख जाता था। तो ये गाड़ी भाई चल चुकी है 31,000। भाई गाड़ी जो है 7 साल चलने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह है। और अभी हमारे सामने विकास आने वाला है जो इनके रियल ओनर हैं, तो उनसे हम बात करेंगे गाड़ी के बारे में और जो भी उनका ओनरशिप एक्सपीरियंस रहा वो हमें बताने वाले हैं। इससे पहले हम गाड़ी में देख लेते हैं कि भाई ने अलग से LED लाइट लगवा के रखी है गाड़ी में, और ORVM जो कि देख इस गाड़ी में अपनी नई गाड़ी है इसमें भी लगे ORVM जो कि बाहर निकले हुए होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि भाई ORVM की कंप्लेन बहुत ज़्यादा है गाड़ियों में, तो भाई ये इनने किसी और गाड़ी का लगवा के रखा है और एक साइड का तो निकलवा ही दिया है। तो अब गाड़ी की हम थोड़ा सा इंजन देख लेते हैं, इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई इस गाड़ी में इंजन आता है 99.27 CC का इंजन इसमें आता है, और जो कि नेचुरल कूल्ड इंजन है और जिसमें 4 मैनुअल गियर बॉक्स इसके अंदर दिया गया है। और साथ ही ये इंजन बजाज का आप देख सकते हैं, इसमें 1 लीटर ऑयल इसके अंदर आता है और वह मैक्सिमम पावर 8.1 BHP की पावर देता है, जो कि देता है 7,500 RPM पे। और टॉर्क की यदि बात करें तो इस गाड़ी के इंजन से हमें टॉर्क मिलता है 8.05, जो कि मिलता है 4,500 RPM पर। इसी के साथ गाड़ी का लुक आप देख लीजिए, बैक से कुछ इस तरह से है और साइड से गाड़ी का लुक कुछ इस तरह से है। अब अधिक जानकारी के लिए अपन इनके ओनर से बात करते हैं। तो भाई ये है विकास जो गाड़ी के ओनर है। गाड़ी को भाई कितने दिन से चला रहे हो? 7 साल से चला रहे हैं, 7 साल पहले खरीदी थी, मैं 2 साल से चला रहा हूँ इस गाड़ी को। भाई बता रहे हैं कि 2 साल से वो गाड़ी को चलाते हैं, किस काम में ज्यादातर ये गाड़ी चलती है? सभी काम में चलाते हैं अपन, तो पानी भी भरते हैं इससे और अपन और बोरी वगैरह रख लेते हैं, सब सामान ले जाते हैं इससे, हेवी ड्यूटी काम करते हैं। चलो ठीक है भाई, बहुत हेवी काम में चलाते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने LED इसमें लगवा के रखी है सामने की तरफ, तो ये क्या है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? लाइट जो हेडलाइट है बहुत कम रोशनी दे पाती है, अंधेरे में बहुत चलाने के लिए कंफर्टेबल फील नहीं होता, इसलिए हमने 2 LED लगवाई है इसमें। चलो भाई LED इसमें लगवा ली, अब LED के बाद कोई दिक्कत तो नहीं है, अब अच्छी चलती है? अब तो अच्छा उजाला देती है चलाने को। चलो ठीक है, क्योंकि भाई इस गाड़ी में सीधा ये RPM से कनेक्शन है इसकी हेडलाइट का, वो भी 12 वोल्ट की है, तो भाई जाहिर सी बात है कि इसमें जैसे ही आप 4th गियर डालोगे तो गाड़ी अपने RPM जैसे कम होता है तो ये यहाँ पे कम उजाला देती है। तो भाई ये जो है इन्हें सही करवा ली। भाई गाड़ी एवरेज कितना क्या दे देती है? एवरेज तो ये बहुत अच्छा देती है, जैसे अपन रोड पे चलाते हैं तो 80+ ही इसका एवरेज रहता है, और वैसे अपन खेतों में या कच्चे रास्ते पे चलाते हैं तो भी 80 के लगभग ही इसका माइलेज रहता है। तो भाई एवरेज से तो काफी संतुष्ट है भाई, और अपनी गाड़ी भी 80 तक दे देती है और ये भी 80 तक दे देती है। तो भाई 2013 से आपके पास ये गाड़ी है, तब तक अभी तक अभी इसमें बड़ा काम कुछ भी करवाया कि इंजन में या कुछ भी ऐसा कोई काम हुआ इसमें अभी तक? नहीं, अभी तक तो इसका इंजन एक बार भी हमने नहीं खुलवाया, बस इसके दोनों टायर एक एक बार चेंज करवाए हैं और परमानेंट सर्विस करवाते हैं इसकी 3,000 किलोमीटर पे। तो भाई आप देख सकते हैं इनने अभी एक बार टायर सिर्फ चेंज करवाए हैं, तो पिछला टायर तो अभी देख सकते हैं आप खत्म होने वाला है, थोड़ा बहुत और चलेगा, और अगला टायर तो अभी नया जैसा ही है। कितने दिन पहले करवाया था चेंज? ये 1 साल पहले करवाया था हमने। तो भाई ये 1 साल पहले इनने चेंज करवाया था, तो ये कंटिन्यू चल रहा है। गाड़ी में क्या कुछ खास है, मतलब कि आप चलाते हो गाड़ी को तो क्या अच्छा लगता है इस गाड़ी के बारे में? इसका एक तो ये अच्छा लगता है कि अपन कहीं भी लंबे सफर पे जाते हैं तो थकते नहीं बैठने में, भले 3 जन बैठ जाओ 2 जन बैठ जाओ तो एकदम आराम से राइडिंग होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती अपने को बैठने। भाई ने बिल्कुल सही बात बताई है। भाई सीट की यदि बात करो, सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल है और बहुत लंबी सी सीट है भाई, यहाँ पे 2 या 3 जन भी बैठ के जाए तो आराम से चला सकते हैं, क्योंकि भाई गाँव से है हम लोग, तो आप देख ही सकते हो गांव में तो भाई 2-3 लोग बैठना आम बात है। हमारी वो अपनी वो वाली गाड़ी भी चलाई है, नई वाली, तो उसको चलाने के बाद इसमें क्या कुछ नेगेटिव लग रहा है और कैसा लग रहा है वो आप बताओ थोड़ा सा एक्सपीरियंस। अपन जैसे हाईवे पे जाते हैं वहाँ पे ट्रक वगैरह भी चलते हैं, तो अपन सिंगल बंदा कोई बैठा है चला रहा है तो एकदम बेकी बेकी गाड़ी लगती है। हाँ ये इसका थोड़ा सा बॉडी रोल की प्रॉब्लम है इसमें, कि हवा का जब झोंका आता है ट्रक के सामने तो थोड़ा सा महसूस होता है ना, वो प्रॉब्लम है। और एक तो हेडलाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल सही बोला। ORVM और मिरर के बारे में भाई ने, ये गाड़ी आप देख सकते हैं भाई इसमें कितना बाहर निकल रहा है, इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो भाई उस चक्कर में इनने इसको खुलवा के रख दिया है, क्योंकि भाई आसपास टच होने का डर रहता है और गांव में क्या है गली है अपने घर तक जाने के लिए, तो भाई वहां पे ये प्रॉब्लम होती है, दीवारों से टकराती है गाड़ी, तो इस वजह से निकाल के रख दिए। और भाई इंजन से रिलेटेड कुछ, मतलब पावर से रिलेटेड कोई इशू है क्या गाड़ी में?
प्लेटिना जैसे बदनाम है कि भाई प्लेटिना ज्यादा ऑफ रोडिंग पे नहीं चलती करके। हाँ वैसे अपन जैसे ज्यादा लोड रख लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, वैसे नॉर्मली तो ये ठीक चलती है। कभी खेत वेत में ऐसे कुछ मिट्टी वाले कीचड़ वाले रास्ते चलाई गाड़ी? कीचड़ वाले रास्ते पे तो ये एकदम नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। और अपन खेत में से निकालेंगे तो एकदम ऐसा लगता है कि बंदा गिरी जाएगा चलाने वाला, बहुत संभाल संभाल के टेक टेक कर चलानी पड़ती है। तो भाई प्लेटिना में ये जनरल इशू है, और वो जैसे डीलक्स है अपने पास, और वो डीलक्स में तो नहीं आएगी दिक्कत? वो तो आराम से निकल जाती है, कोई जरूरत ही नहीं उसमें टेकने की, सीधे भगा ले जाओ खेत में। तो भाई वो डीलक्स थोड़ी सी अच्छी गाड़ी है। और अब ये गाड़ी जो है अपन ने वो भी अब तूने चलाई है कई बार, तो भाई उसमें उसे चलाने के बाद इसमें क्या कुछ अंतर लगा कुछ गाड़ियों के दोनों के बारे में? बहुत अंतर है, उसका पिकअप बहुत शानदार है, बहुत तेज चलती है वो एकदम, और इसमें आराम आराम से थोड़ी उठती है। कुछ ऐसा ही है। टायर को लेके भी है क्या कुछ इशू, मतलब दोनों गाड़ियों में? इसका टायर वाइड है, इसका पतला है, तो इसको लेके भी थोड़ा सा रहता है कि ये डोलती है चलने में, बैठती है थोड़ा सीधा कम चल पाती है। चलो, और इसका एक चीज और है, चेन वेन कुछ आवाज तो नहीं करती गाड़ी के चलने चलते टाइम? नहीं वो तो चेन तो नहीं करती, लेकिन इसका जो अपना अगला ब्रेक है वो बहुत आवाज करता है लगाने पे। चालू करना है जैसे पीछे ये आवाज करता। तो भाई अगला ब्रेक इसका बहुत खतरनाक आवाज करता है, एक बार ब्रेक शूज चेंज करवाए क्या आपने इसके? जो शोरूम से आए थे गाड़ी के साथ 7 साल पहले वही, अभी तक हमने इसके अगले ब्रेक शूज चेंज नहीं करवाए। तो भाई अगले ब्रेक शूज ने चेंज नहीं करवाए हैं, और गाड़ी में बढ़िया आवाज आती है अगले ब्रेक से। तो ये तो हो गए भाई गाड़ी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं भाई सर्विस कॉस्ट क्या लगती है इसकी, जब भी आप सर्विसिंग करवाते हो कितने किलोमीटर पर करवाते हैं? सर्विस तो हम लगभग इसकी 3,000 किलोमीटर पर करवाते हैं, और वैसे हर बार ऑयल चेंज करवाते हैं, और कभी कभी जैसे बेयरिंग खराब हुआ तो बेयरिंग करवा देते हैं, कुछ वायर वगैरह ऐसा करवा देते हैं, तो वही 800-900 हजार तक का बिल बन जाता है। तो भाई कोई ज्यादा नहीं है, 1,800 रुपए तो अब कितने 3,000 किलोमीटर कितने दिन में कर देते? वही 2-3 महीने में कर देते हैं लगभग 3,000 किलोमीटर। चलो भाई बहुत अच्छी बात है भाई, गाड़ी बहुत रफ एंड टफ गाड़ी है प्लेटिना। अब प्लेटिना हमारे पास ये थी तो भाई बड़े भाई साहब के पास है, और वो वाली गाड़ी है वो मैंने अपने यूज के लिए ली है। भाई ये गाड़ी का बहुत अच्छा रिस्पांस था, इसीलिए मैंने ये नई जो है अपडेट गाड़ी को लिया है। ब्रेकिंग कैसी क्या है इस गाड़ी की? ब्रेकिंग तो एकदम जैसे लगाते हैं 2-3 सेकंड बाद ही टायर रिपटने लगता है, और अभी भैया ने चलाया, इनसे पूछो कैसा लगा ब्रेक इसका। भाई बहुत ही तगड़ा ब्रेक है, जैसे मैंने पांव धरा स्लिप मार दिया बिल्कुल, देखो कम से कम 5 फीट तक टायर घिसा गया। तो भाई इसमें वजन तो ज्यादा है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी गाड़ी है, और गाड़ी की तुलना में बहुत हल्की है, बहुत हल्की है, और इसका ब्रेक एकदम दबा हुआ आता है सिंगल पर्सन में, झटका से लगता है भाई अगला ब्रेक भी इसका झटका से लगता है। तो भाई इसमें स्किड होता है कुल मिला के, ये गाड़ी में ब्रेक को लेके स्किड होता है, इसलिए उस गाड़ी में एंटी स्किड ब्रेक दिए हैं, और वो कॉम्बी ब्रेक इसमें दे दिए गए हैं। अगला झटके से लगता है, गिरने का डर रहता है। तो भाई ये इसमें प्रॉब्लम है थोड़ी सी ब्रेक को लेकर, 3-4 फीट तक घिसा के गाड़ी, तो वो होता ही है इन गाड़ियों में, क्या वजन कम रहता है इस वजह से दिक्कत आ जाती है। तो विकास अगर जैसे आप अपडेट करोगे अगले साल से कॉलेज जाओगे, तो फिर कोई सी गाड़ी लेना चाहोगे दूसरी? जी हम हॉर्नेट रेप्सोल, हॉर्नेट रेप्सोल एडिशन जो है वो भी बहुत शानदार है। बुलेट नहीं लेंगे अपन, हॉर्नेट रेप्सोल लेंगे। एक नंबर है, स्प्लेंडर या फिर बुलेट ले, और कहीं की बात नहीं। बुलेट माइलेज वगैरह में तो सही नहीं है हर चीज, और फिर वजन भी ज्यादा है बुलेट में भाई, जलेगी नहीं मेरे से।